ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर करना, आप सभी को चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। ठीक है, इस मॉडल को जो है गाइस, आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे इतना साइज में ऐसे रख देना है। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना है, आप सभी को जो है गाइस यहाँ से मतलब कि इसको ऐसे रखने के बाद आप सभी को यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को चले जाना है ऐसे ब्लर वाले ऑप्शन में। ठीक है, ब्लर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये फर्स्ट वाला ब्लर ही ले लेना है। एंड इसका जो अमाउंट होगा गाइस, आप सभी को 4 या 5 तक रखना है। ठीक है, 4 या 5, उससे ज़्यादा मत रखना, नहीं तो ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। फिर उसके बाद इरेजर टूल में जाके आप सभी को इरेजर पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपनी फोटो को जूम करना है। एंड गाइस, आप सभी को सिंपली हैंड के पास से थोड़ा सा एरिया इरेज कर देना है। ठीक है, जिससे कि मतलब कि जहाँ पे हम उस फोटो को हम पकड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से चले जाना ऐड फोटो में। एंड यहाँ से आप सभी को एक ऐड फ्रेम वाइट कलर का फ्रेम दे दूंगा मैं। ठीक है, आप सभी को उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सभी को इस फ्रेम को जिस टाइप से लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपने फेस के अकॉर्डिंग मतलब कि आपको अपने जितना फेस हाइड करना है आपको उतने उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा साइज़ यहाँ पे इतना रखूँगा। ठीक है, अब उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके। एंड इरेजर टूल में जाके आप सभी उसकी हार्डनेस को फुल कर लेना है एंड साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे ऐसे इरेज कर लेना है। ठीक है, मतलब कि इरेज इस टाइप से करना है कि भाई मतलब कि लगना चाहिए कि यार आपने मतलब कि कुछ पकड़ गया, आपने फोटो क्लिक करवा रखी है ना, रील लगनी चाहिए। तो इसी टाइप से इरेज करना एंड अच्छे तरीके से करना एंड आराम आराम से जितना टाइम दोगे यार उतनी ज़्यादा फोटो बेस्ट एडिट होती है ना। क्योंकि यार टाइम देना और मतलब कि टाइम देने से एंड फोटो एडिटिंग जितनी अच्छी हो उतनी ज़्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अभी हम थोड़ा इसको अच्छा हम थोड़ा पेंट कर देते हैं अच्छे तरीके से, फिर आप सभी को मैं बताता हूँ आप सभी को आगे करना क्या है। सो गाइस, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पूरा हो चुका है। अब आप सभी को यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसकी ओपेसिटी फुल करनी है एंड यहाँ पे आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, तो हम इसको डन कर लेते हैं। अब गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस, जो आप सभी का जो मॉडल दूसरा होगा साइड वाला मॉडल, उसको आप सभी को लेना है। एंड गाइस, आप सभी मतलब कि जब फोटो क्लिक करा लोगे तो आप सभी को जो आई ड्रॉप का पीएनजी मिल चाहिए होगा, मतलब कि गाइस जो मतलब कि जो आई ड्रॉप होता है उसका पीएनजी चाहिए होगा। तो उसका जो पीएनजी है गाइस, मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड उसको आपको पहले ही मतलब लगा लेना अपना। ठीक है, थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से कर लेना फेस के पास लगा के, जैसे गाइस मैंने इसमें लगा रखा है। ठीक है, तो आप सभी को कर लेना है। यहाँ पर हम डन करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को देखिएगा जिसमें आई ड्रॉप मैंने लगा रखा है तो कि भाई के मुंह पे, तो आप सभी को भी वो पीएनजी ले लेना है। एंड ज़्यादा कुछ करना नहीं है अब गाइस, आप सभी को अब इस फोटो में यहाँ पे मतलब कि फोटो का भी डन नहीं करना है। अभी आप सभी को एक ऐड फोटो में जाके यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी लेना है विगनेट का। एंड इसको आपको कुछ इस टाइप से ऐसे फुल कर देना है। ठीक है, फुल कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है डन। अब गाइस, आप सभी को अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको लेके चले जाना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो भी कलर करेक्शन होगी हम वहीं करेंगे। तो इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। एंड लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आप सभी को ये नीचे साइड में लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाना है, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, इसका इस कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम कर देना गाइस। ठीक है, इसका एंड इसका जिसका हाईलाइट है इसको बढ़ा देना एंड जिसका शेडो है इसको भी बढ़ा देना थोड़ा सा। सो शेडो को यार गाइस -5 तक रख लेना एंड ब्लैक को यहाँ पे माइनस कर देना, वाइट को थोड़ा सा माइनस कर देना। फिर चले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में टेम्परेचर इसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड चले जाना ऐसे येलो कलर में, इसका जो सैचुरेशन है बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड चले जाना डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, अगर ब्लू कलर आपको पसंद नहीं है तो कर देना। एंड पर्पल कलर इसका तुम थोड़ा सा माइनस कर देना क्योंकि पर्पल कलर है ये हैंड के ऊपर आ रहा है, तो अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम डन कर देते हैं। एंड उसके बाद आप सबको चले जाना से नीचे वाले टूल में, फोटो की जो गाइस क्लियरिटी है आप सबको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस जो फोटो में जो विगनेट है वो डाल देना है। एंड इसको स्क्रॉल करोगे आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, आप सबको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको नीचे वाले टूल में जाना है, फिर जो गाइस फोटो की शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस जो नोट रिडक्शन आप सबको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस जो कलर नोट रिडक्शन आप सबको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली फोटो का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइस, मैं मिलता हूं सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।